विदर्भ में जंगल और बाघ की तलाश की रोमांचक कहानी को उजागर करने वाली फिल्म टेरी टेरी का हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया। सचिन श्रीराम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता संदीप कुलकर्णी, किशोर कदम की मजबूत स्टार कास्ट है। साथ ही विदर्भ की अभिनेत्री सुनैना खोबराकडे, भारत रंगारी, दिनेश इंगोले भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रहे। यह फिल्म 1 सितम्बर को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होगी। फिल्म टेरी टेरी को निर्माता श्रीराम मुल्लेमवार के डिवाइन टच प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेखक निर्देशक सचिन श्रीराम ने फिलीपींस में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है। कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद अब वह फिल्म टेरी टेरी से डेब्यू करे है। फिल्म को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह जैसे कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गंगटोक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ग्रीन एकेडमी अवार्ड्स, गोल्ड फर्न फिल्म अवार्ड्स में प्रदर्शित किया गया है और फिल्म ने पुरस्कार जीते हैं। फिल्म का छायांकन कृष्णा सोरेन द्वारा, संपादन मयूर हरदास द्वारा, ध्वनि रचना महावीर सबनवार द्वारा, जबकि पार्श्व संगीत यश बकारे द्वारा दिया गया है। टेरिटरी इस फिल्म में हम बहुत सारे एक्टर्स विदर्भ के ही है, क्योंकि जो गांव दिखाना था वो विदर्भ का गांव था और वो जो भाषा थी वो विदर्भ की ही भाषा होनी चाहिए थी जो गांव में बोली जाती है। तो हम लोग ने जगह जगह जाके उन एक्टर्स को ऑडिशन लिया था, चंद्रपुर में, अमरावती में, यवतमाल में, नागपुर में। तो ये फिल्म देखने के बाद आपको बहुत बार ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि ये तो एक्टर्स लगते नहीं है, उसी गांव के हैं। तो मुझे लगता है यही हमारी फिल्म की एक मतलब प्लस पॉइंट है कि वो गांव गांव लगता है, ना कि एक्टर्स लगते हैं। पोचिंग बोल सकते हैं, तस्करी की ये स्टोरी है जो टिपेश्वर जंगल के परिसर में घटती है और वो स्टोरी का जो शोध है या उसको ढूंढने के लिए एक CBI ऑफिसर की टीम आती है मुंबई से। तो ये पूरा जो शोध है उनका, वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड है जो किशोर कदम जी ने उनका कैरेक्टर प्ले किया, उनके साथ वो फिर एक पूरा जो पूरी स्टोरी की जर्नी है वो टिपेश्वर जंगल के परिसर में ही घड़ी हुई स्टोरी है। फिल्म के टीजर में पहले ही उत्साह बढ़ाती है। यवतमाल जिले के पांडरकवड़ा में जंगल से एक नरभक्षी बाघ गायब हो जाता है। अदालत नरभक्षी बाघ को मारने की अनुमति देती है और एक रोमांचक खोज शुरू होती है। अब जब ट्रेलर लॉन्च हो चुका है तो फिल्म कथानक समेत सभी तकनीकी पहलू सक्षम नजर आ रहे हैं। ट्रेलर से साफ है कि सचिन श्रीराम ने अपना काम इतनी सफाई से किया गया है कि लग ही नहीं रहा है कि सचिन श्रीराम का पहला प्रयास है। सिनेमाटोग्राफी, तेज गति की रचना और बैकग्राउंड स्कोर इस ट्रेलर को अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाते हैं। ऐसे में अब फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।